कभी कभी ऐसा होता है कि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ऐसा है कि मुझे जब भी मैं कभी किसी को ऐसा कुछ अच्छा करते हुए देखता हूँ तो मेरा मानना ये है कि अगर जो मैं कुछ उसके जैसा कर नहीं पा रहा हूँ या कर नहीं सकता हूँ तो एटलीस्ट उसके विचारों को, उसकी थॉट्स को किसी आगे तक या किसी और को पास ऑन करूँ, जिससे क्या है कि उसकी जो उनके जो विचार हैं, उनकी जो सोच है, एटलीस्ट वो कहीं आगे तक पहुंच पाए। और हो सकता है कि जो चीज़ मैं नहीं कर पा रहा हूँ शायद उसको देख के कोई और इंस्पायर हो या किसी को अच्छी सीख मिले। तो जो ये कहानी मैं आपको बताने वाला हूँ ये एक ऐसे इंसान की है जो एक ब्लड बैंक टेक्नीशियन था। एक ग्रेटर नोएडा के एक हॉस्पिटल में एक ब्लड बैंक टेक्नीशियन था और उसने एक ऐसा इवेंट देखा अपनी लाइफ में जिसके बाद उसकी लाइफ पूरी चेंज हो गई, उसकी थॉट बदल गई, उसकी सोच बदल गई और उसके बाद उसने जो कुछ भी किया वो इनक्रेडिबल था। तो पहले एक काम करते हैं, उसकी स्टोरी देख लेते हैं। मेरा नाम ओमकार नाथ शर्मा है, मेरी उम्र 80 साल की है और लोग मुझे मेडिसिन बाबा के नाम से जानते हैं। पब्लिक से मांग मांग के गरीबों के लिए दवाइयाँ इकट्ठी करता हूँ। अगर मेरे मांगने से किसी की जिंदगी बच रही है तो उसमें क्या परेशानी है। जब मेट्रो लक्ष्मीनगर की चालू नहीं हुई थी तो उसका लेंटर नीचे गिर गया था, जो लेबर आदमी थे वो ऑन द स्पॉट एक्सपायर हो गए थे, कुछ इंजर्ड हो गए थे। डॉक्टर को पता ये पेशेंट बचने वाला नहीं है, क्या बोलते हैं कि भैया ये दवाइयाँ हमारे पास आज सवेरे ख़त्म हो गई, आप बाजार से खरीद दीजिए। जो आदमी फुटपाथ पर रह रहा है वो पैसे कहाँ से लाएगा। तो दिमाग शोक सा लगता है कि यार क्या हो रहा है, दवाइयाँ तो करीब सभी घर में पड़ी हुई है, क्यों नहीं दवाइयों को इकट्ठा करके गरीब तक पहुँचाई जाए। मैं सवेरे सवेरे करेक्शन करने के निकलता हूँ फील्ड के अंदर, गुड़गांव है, फरीदाबाद है, इन सभी जगह जाता हूँ। जैसे गली मोहल्ले में खड़ा हो गया आवाज़ लगाता हूँ, कोई आलू ले लो, बैंगन ले लो, सब्जी लो, होकर करते हैं सब्जी वाले, उसी तरीके में भी हाँ साहब है कोई बेकार की दवाइयों का दान करेगा जो दवाइयाँ आपके काम में नहीं आ रही है। बहुत सुने बोला कि बेचेगा खाएगा क्या करेगा, मतलब नेगेटिव ज़्यादा बोले। तो मैं कसम खा ली कि हम उस आदमी को कभी रिप्लाई नहीं करेंगे, नेगेटिव पे सोचना नहीं, बाकी काम अपना जो कर रहे हैं पॉजिटिव ये काम करता रहता है। मुझे दवाई के कुरियर करीब भारत में से सभी जगह से आते हैं और कई दफ़े विदेशों से भी आते हैं मेरे पास दवाई कुरियर। या चैरिटेबल डिस्पेंसरी चल रही है उसको हम डोनेट करते हैं, एम्स है या राम मनोहर लोहिया है, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में भी हम डोनेट करते हैं। दवाई इतनी महंगी है कि हमारी तो हैसियत ही नहीं कि हम खरीद पाते। ये तो मेडिसिन बाबा की मेहरबानी है जो हमारा भाई ठीक हुआ और हमारे भाई की तरह हजारों लोग हैं जो ठीक हो रहे हैं मेडिसिन बाबा की मेहरबानी से। योगदान सिर्फ उन्हीं का है जो मुझे दवाइयाँ डोनेट कर रहे हैं, मेरा इसमें क्या रोल है, मेरा तो कुछ रोल नहीं है। आज से करीबन 8 साल पहले मैं अकेला चला था, आज एक जन आंदोलन बन गया है और जन आंदोलन ठंडा नहीं होना चाहिए, भविष्य में बराबर चलता रहना चाहिए ताकि समाज के लिए हम कुछ अच्छा कर सकें। अमेजिंग, ऑसम। क्योंकि मैंने भी ऐसे इस सेक्टर में, हॉस्पिटल सेक्टर में काम किया और मुझे भी पता है कि कैसे कैसे पेशेंट जो होते हैं, मरीज जो होते हैं बहुत दूर दराज क्षेत्रों से आते हैं और पैसे की कमी के चक्कर में बहुत सारे लोग तो ऐसे भी होते हैं जो जब उन्हें ऐसा लगता है कि यार अब जो है इलाज जो है वो हमारे हाथों से बाहर हो रहा है तो वो अपने मरीज को जिसको वो बहुत प्यार करते हैं, जो उनका अजीज होता है, उनका कोई रिश्तेदार होता है, किसी का बेटा होता है या किसी का बाप होता है, उसको भी लोग क्या करते हैं कि बोलते हैं कि अब रहन दीजिए, अब तो हम भगवान के भरोसे ही छोड़ दीजिए, उसको घर ले जा रहे हैं और जैसा होगा अब ईश्वर की माया या कुछ ऐसा बोल के उसको लेके चले जाते हैं। तो ये चीज़ मैंने अपनी आंखों से लाइव देखी हुई है कि मेरे सामने भी ऐसे बहुत सारे केसेस हुए हैं जिसमें
कि लोगों ने हाथ खड़े कर दिए हैं कि अब हमसे नहीं हो पाएगा। हाँ, इवेंचुअली कभी कभी ऐसे केसेस होते हैं जिस केस में हम मदद कर भी देते हैं, पर कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि आप चाहते हुए भी मदद नहीं कर सकते हो। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक केस है कैंसर पेशेंट का। अभी कैंसर पेशेंट का अगर जो वो केस है तो जाहिर सी बात है कैंसर पेशेंट का ट्रीटमेंट एक लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट होता है। आप एक बार किसी की मदद कर सकते हैं पर शायद नेक्स्ट टाइम नहीं कर पाएँ। तो कभी कभी छोटी छोटी चीज़ें बहुत बड़ा बदलाव लेके आती हैं, और ये ओमकार नाथ शर्मा जी जो कुछ भी कर रहे हैं वो बहुत ही अच्छा है। मैं इनसे बहुत पहले से इंस्पायर्ड हूँ और इनकी स्टोरी जो है वो मैंने बहुत पहले ही सुन रखी थी, पर कब अब मुझे थोड़ा सा एहसास हुआ कि मुझे लगा कि नहीं यार, ये स्टोरी सिर्फ मुझ तक ही क्यों रहे, इसको मैं अपने व्यूवर्स को भी दिखाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जो मेरे जानने वाले लोग हैं, जो मुझसे कनेक्टेड है और जो मुझे देख रहे हैं, ये कहानी उन तक पहुँचा पाऊँ। तो आपसे बस इतना से एक अपील है, एक रिक्वेस्ट है कि कभी कोई ज़रूरतमंद दिखे तो उसकी मदद कीजिए। जैसे कि ये एक मेट्रो ब्रिज जो 2008 में गिर गया था दिल्ली में, उस एक्सीडेंट को, उस वाक्य को देख के इंस्पायर्ड हुए और उन्होंने इसके बाद बहुत सारा काम किया और बहुत सारे लोगों की मदद की। इन्होंने 50 से ज़्यादा बॉक्सेस इंस्टॉल करवा रखे हैं पूरे शहर, जिसमें ऐसे लोग जिनके पास एक्सेस मेडिसिन है जो वो यूज़ नहीं कर रहे हैं या जिसका काम उनको अब नहीं लग रहा है, वो अपनी मेडिसिन डोनेट कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही बड़ा कदम था समाज के लिए जो इन्होंने शुरू किया, और इंस्पिरेशन कहीं से भी मिली हो इनको, वो इंस्पिरेशन एक किसी चीज़ की, किसी व्यक्ति को या किसी अच्छाई को देख के हो या एक बहुत बड़ा दर्दनाक हादसा देख के, पर इंसान किसी भी चीज़ से इंस्पायर होकर जब कोई कदम उठाता है तो उसका जो रिज़ल्ट होता है वो बहुत ही बेहतरीन होता है। और मैं इनकी कहानी से बहुत मोटिवेटेड था, मुझे बहुत अच्छा लगा कि इस कहानी को आप तक मैं पहुंचा पाया, और कोशिश करता रहूँगा कभी अगर जो मुझे भी ऐसा मौका मिले कि मैं कुछ भी ऐसा अच्छा कर सकूँ तो मैं अपने लाइफ में ज़रूर करना चाहूँ। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर जो आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, जिससे इस स्टोरी को हम और भी लोगों तक पहुँचा सकें और कोई किसी ज़रूरतमंद की मदद कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद।